मैं दरख्वास्त करता हूँ मॉडल टाउन में, मॉडल टाउन लाहौर में और गढ़ी शाहू में, इन दो मकामात पर पिछले दिनों कादियानियों पर कातलाना हमला हुआ। मैं इल्जाम आयद करता हूँ आज की मजलिस में, और मेरे कादियानी करम फरमा वो मेरी इन मारूजात को ठंडे दिल के साथ सुने कि उनमें एक दो आदमी जिंदा जो हमला आवर थे पकड़े गए। कहाँ है हमारी इंतजामिया, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है कादियानी कि वो उन मुलजमों के जरिए बाकी मुलजमान तक क्यों नहीं पहुंचे, उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको क्यों सजा नहीं दी गई। मैं प्लेटफार्म से इल्जाम आयद करता हूं कि ये काम खुद एजेंसियों ने करवाया है, किसी मुसलमान का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, और कादियानी जमात खुद भी इसके अंदर मुलव्वस है। क्यों? इसलिए कि उसके बाद कादियानियों ने इसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं किया। उसकी वजह ये नहीं कि कादियानी एहतजाज नहीं करना चाहते थे। मैं अर्ज करता हूं कि कादियानी अपनी इबादत गाहों पर इन्होंने बाकायदा पहरे लगा रखे हैं, एक पत्ता इनकी इजाजत के बगैर नहीं हिलता, इनकी इजाजत के बगैर वहां चिड़ी पर नहीं मार सकती। उस दिन मुलजमान आए, कादियानियों की सिक्योरिटी मौजूद है, कैमरे मौजूद हैं, और वो चुप करके अंदर चले गए, उसको किसी ने नहीं रोका। वो चुप करके नहीं गए, वो आदमी खुद कादियानियों के कादियानी साजिश के अंदर बराबर के मुलव्वस हैं, और कादियानी अपनी नाम नहाद मजलूमियत की बुनियाद पे अपने वीजे वगैरह लगवाना चाहते हैं। मैं अलल ऐलान कहता हूं कि उन्हें उस वाकया के साथ किसी मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं, और कादियानियों ने जो ड्रामा किया, जो एजेंसियों ने ड्रामा किया, इनकी मिली भगत के साथ जो कुछ हुआ, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल वक्त आएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।